समझते हैं वो जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ बेइंसाफी। हम ये समझते हैं कि कोई ऐसा बशर नहीं जम्मू कश्मीर का जो ये ना चाहता हो कि हमारी कोई इस रियासत हमें वापस मिलनी चाहिए। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे कोई विवाद नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। हम भी जो पॉलिटिकल पार्टी या सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमारे अपने अपने एजेंडा और अपने अपने गोल्स हैं, उनको डाइल्यूट किए बगैर, उन अपने अपने स्टैंड को डाइल्यूट किए बगैर, अपने अपने एजेंडा और मैनिफेस्टो और मंशूर को डाइल्यूट किए बगैर, हमने वो इश्यूज़ जो तीन बुनियादी इश्यूज़ इस वक्त जम्मू कश्मीर के आवाम चाहते हैं कि ये फौरी तौर पे हल होने चाहिए, उन पे हमने यूनानिमिटी बनाई है। पहली बात कि प्रधानमंत्री जी कल ही अनाउंस करें, हम ये अपील करते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता की वॉइस रेज करते हैं कि रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पे बहाल किया जाए। दूसरी बात कि यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि चार साल होने आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी से हम वंचित हैं, चुनी हुई सरकार से वंचित हैं, लोगों को गवर्नेंस के बहुत बड़े इश्यूज हैं, गवर्नमेंट नाम की चीज़ नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम में हर कोई आदमी त्रस्त है, मजदूर हो, अनएम्प्लॉयड यूथ हो, वर्कर हो, सेमी एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो, टेम्पररी एम्प्लॉयड हो, फुली एम्प्लॉयड हो, हर सेक्शन के किसान हो, बॉर्डर के लोग हो, रिफ्यूजीज हो, कोई ऐसी सेक्शन नहीं जो हरास नहीं है। इसलिए डेमोक्रेसी का बहाल होना बहुत ज़रूरी है और जल्दी चुनाव होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले जो डीलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है उसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट जो आई है उस पर हम सबको लोगों को बहुत सख्त आपत्ति है। ड्राफ्ट रिपोर्ट बहुत बड़ा उसमें फ्लॉड है और उसमें बहुत खामियां हैं। वो जो नॉर्म्स डिलिमिटेशन के कानून के तहत बनाए गए हैं, प्रोसीजर है उसको फॉलो किए बगैर किए गए, ग्राउंड रियलिटीज के विरुद्ध है। वो कई इलाके ऐसे हैं जिनको ऐसी जगह जोड़ दिया गया कि लोगों के लिए वो बहुत बड़ी इनकन्वीनियंस होगी। कई इलाके जो पिछले 24 साल से रिजर्व थे वो ऐसे फिर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़े गए कि दोबारा अगले 10 साल 15 साल 20 साल वो रिजर्व रहेंगे। हम ये मानते हैं कि जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ डीलिमिटेशन जम्मू कश्मीर, उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं है ड्राफ्ट रिपोर्ट, और ना ही कमीशन ने पर्याप्त तरीके से पॉलिटिकल पार्टी या बाकी लोगों को सुना है, एक फॉर्मेलिटी और आईवाज के तौर पे किया गया। अगर ये ड्राफ्ट रिपोर्ट की मेजर रिव्यू नहीं हुआ और इसमें अमेंडमेंट्स नहीं हुई, उनको उसको ठीक नहीं किया गया कि अगले 10-20 साल के लिए ये जम्मू कश्मीर के और मुख्तलिफ इलाकों के साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी होगी। बहुत से मैं एक एक कितने उदाहरण दूं कि किस तरीके से तोड़ मोड़ करके डाइसेक्शन करके जिस तरह से किया गया, ये मैंडेट डिलिमिटेशन का नहीं था और ये पर्पस नहीं था। जो मकसद था, जो वादे थे, जो दावे थे खासकर रूलिंग पार्टी के, उसके भी विरुद्ध ये रिपोर्ट है और लोगों की जनता के सहूलियत उनके राइट्स अधिकारों के विरुद्ध ये रिपोर्ट है। इसलिए दूसरी हमारी डिमांड है कि इस प्रेजेंट फॉर्म में डीलिमिटेशन की रिपोर्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं और मांग करते हैं कि जिस प्रधानमंत्री जी भी ये कहें कि जैसे उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में एश्योरेंस दिया था कि ये ड्राफ्ट रिपोर्ट को अलसरे नौ जो है रिव्यू करके लोगों को सुन करके उसमें खामियां दूर कर किए जाएँ ताकि वो लोगों के और डीलिमिटेशन के कानून के मुताबिक हो और फेयर एंड जस्ट रिपोर्ट हो। और तीसरी बात कि उसके फौरी बाद जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द जो है वो जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव कराए जाएं स्टेटहुड के अंदर। हमारा कहना है कि स्टेटहुड फौरी दी जाए, डिलिमिटेशन फेयर एंड जस्ट करवाई जाए और जम्मू कश्मीर में स्टेट असेंबली के चुनाव जल्द कराए जाएं। ये तीन मुख्य मुद्दे जिस पे हम समझते हैं सिर्फ हम ही और यही पार्टीज नहीं जो इसकी पार्टिसिपेटरी हैं या सिग्नेटरी हैं, इसमें कोई ऐसा मुझे बशर या ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कोई ऐसी नज़र नहीं आती
जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं और वो कहते हैं कि ये तीन चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी कुछ चीज़ों पे वाद विवाद आगे पीछे अपनी अपनी मांग हो सकती है, लेकिन ये ऐसे तीन इश्यूज़ हैं जिन पे किसी का कोई विरोध हमें नज़र नहीं आता। आइए